Dear students, now today we are going to know about the short writing skills. It has two main topics, notice and other is invitations. So what is notice? Notice kya hai? A notice is a written piece of information or news announcement to be given to a particular group. मतलब ये है कि एक विशेष ग्रुप को ली जाने वाली जो न्यूज जो घोषित हुई है या लिखित में इंफॉर्मेशन का एक भाग होती है नोटिस. सिंस इट इज प्योरली ए फॉर्मल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि इंफॉर्मेशन की ये एक फॉर्मल पीस होती है प्योर, बिना प्योर नहीं मतलब बिल्कुल शुद्धतम रूप से, तो इट्स लैंग्वेज, तो इसकी जो भाषा है, टोन है और इसका जो ढंग यानी स्टाइल है शुड ऑल्सो बी फॉर्मल, वो भी जो है आपका फॉर्मल ही होना चाहिए एंड टू द पॉइंट, और बिल्कुल बिल्कुल एक पॉइंट पे होना चाहिए. पॉइंट टू बी रिमेंबर, जब हम नोटिस लिखें तो क्या क्या चीज़ हमें रिमेंबर करना है, रखना है अपने माइंड में हमेशा. फर्स्ट है फॉलो द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, जो अभी हम आपको फॉर्मेट देंगे उसी को आपको फॉलो करना है. सेकेंड है ओनली पैसिव आइज शुड बी यूज एज फॉर एज पॉसिबल, जहाँ तक संभव हो तो हमेशा जो है आपको पैसिव वाइस ही इसको यूज करना है. थर्ड यूज शॉर्ट एंड सिंपल सेंटेंसेस, बहुत ही जो है साधारण और संक्षिप्त जो है सेंटेंसेस का हमें इस्तेमाल करना है. और फोर्थ है डू नॉट एड्रेसन, और नोटिस लिखते समय हम किसी का नाम या किसी का संबोधन किसी को एड्रेस जो है हम नहीं करते हैं. हाँ देखिए नोटिस फॉर्मेट है, नोटिस फॉर्मेट को एज इट इज हमें यूज करना है. ये फॉर्मेट हमें क्या क्या चीज़ की इंफॉर्मेशन मिलता है, लेट अस नो अबाउट दिस. सबसे पहले क्या होता है, नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी इन वन लाइन, एक लाइन में जो है हमें इंस्टीट्यूट के बारे में जिससे नोटिस जारी होती है, ऑफिस के बारे में या उस संगठन के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन या उस स्थान से जहाँ से नोटिस जारी की गई है उसको एक लाइन में लिखना होता है, जैसे हमने यहाँ लिख लिया है. दूसरा देखिए नोटिस, नोटिस राइट बिलो द नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, ये इशूइंग अथॉरिटी है इसके ठीक नीचे नोटिस है, नोटिस लिखी गई है. फिर देखिए तीसरा पॉइंट कहता है कि हेडिंग आर सब्जेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी जो यहाँ सुइटेबल हेडिंग है ये आपके नोटिस के सब्जेक्ट को बताता है या ये जो है इंफॉर्मेशन देता है कि किस बारे में नोटिस है. यहाँ पर आपका डेट हो जाएगा और सबसे महत्वपूर्ण यानी सोल आपका नोटिस है उसको बॉडी ऑफ द नोटिस भी कहते हैं. ठीक है, इसमें हमको तीन चीज़ शो करना होता है. पहला क्या है, व्हाट क्या है नोटिस, कब जारी हुई, कब जारी हुई नोटिस और वेयर कहाँ से जारी हुई, ये हमको इसमें दर्शाना होता है. और यह एक चीज़ और ध्यान रहे कि हमें फर्स्ट पर्सन यानी आई का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है. फिर लास्ट में यहाँ पर देखिए सिग्नेचर लिखना है, सिग्नेचर करना है अपने और ब्रैकेट के अंदर अपने नाम को लिखने हैं, सिग्नेचर पूर्ण नेम या डिजिग्नेशन आपका पद क्या है उसको भी यहाँ पर शो करना होता है. डिजिग्नेशन मतलब पद क्या है, उसके साथ में राइट विद इन स्क्वायर बॉक्स एंड एडियर टू गिवन वर्ड लिमिट, एक चीज़ और है कि इसको वर्ड लिमिट हो और चारों तरफ से ये स्क्वायर बॉक्स में देखिए नोटिस पूरी की पूरी है, बंद है. क्लियर, देखिए वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन द नोटिस ऑन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट, या यू कैन सी द प्रॉब्लम इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ नोटिस. यू आर अंशु और अंकिता, आप अंशु या अंकिता हैं, प्रेसिडेंट ऑफ द वेलफेयर सेल ऑफ योर स्कूल, अपने स्कूल के आप वेलफेयर सेल के जो है अध्यक्ष या प्रेसिडेंट है. यू डिसाइड टू ऑर्गेनाइज ए वर्कशॉप, आपने निश्चय किया कि आप एक वर्कशॉप का आयोजन करेंगे टू रेज अवेयरनेस ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ के जो इम्पॉर्टेंस है उसके बारे में आप जो है अवेयरनेस को जो ऊपर उठाना चाहते हैं, रेज करना चाहते हैं. ये जो वर्कशॉप वुड बी कंडक्टेड बाई द स्कूल काउंसलर, ये स्कूल काउंसलर के द्वारा इस वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा. राइट ए नोटिस, और इसमें आपको एक नोटिस लिखना है इन्फॉर्मिंग डेट स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 11th एंड 12th, इसमें क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना है अबाउट द वर्कशॉप, इस वर्कशॉप के बारे में. और ये स्विंग अथॉरिटी जो है वो केंद्रीय विद्यालय ONGC देहरादून है. ठीक है, सबसे पहले देखिए
जो हमने बताया था कि यहाँ पर देखिए नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, तो नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट है जैसे यहाँ पर ही है, तो हमने पहले ये इशूंग गठा की है केंद्रीय विद्यालय ONGC देहरादून। उसके बाद पे हमने नोटिस उसके नीचे बिल्कुल ठीक नोटिस लिख दिया। तत्पश्चात क्या है सुइटेबल हेडिंग यानी वर्कशॉप ऑन इम्पॉर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ, ये सब इस पूरी जो है नोटिस का ये जो है हेडिंग है। फिर देखिए डेट डाल दिया हमने यहाँ पर डेट, उसके बाद ये बॉडी ऑफ द नोटिस यहाँ से यहाँ तक जो इसमें दिया गया है मटेरियल उसको यहाँ पर लिख दिया, इसमें कहीं भी आई का इस्तेमाल नहीं है। और दूसरा जो 3 W's के बारे में बताया था, तो सबसे पहले ये लिखा कि ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 11th एंड 12th यानी कक्षा 11 और 12 के सभी जो स्टूडेंट्स को सूचित किया जाता है कि एक वर्कशॉप जो कि जो है मेंटल अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए आयोजित होगा, ठीक है ना, जिसमें यंग माइंड्स जो है वो इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, इन स्कूल ऑडिटोरियम में इसका जो है आयोजन होगा फ्रॉम 20 सितंबर 2022 to 25 सितंबर 2022 यानी 20 सितंबर से 25 सितंबर के मध्य। द टाइमिंग विल बी अब देखिए समय दिया कब होगा 9 AM से 2 PM के बीच में है इन द स्कूल प्रीमिसेस, कहाँ होगा स्कूल के प्रीमिसेस में होगा। मिसेज राधिका ये कौन है द स्कूल काउंसलर, ये स्कूल काउंसलर होंगे विल कंडक्ट द वर्कशॉप, यही जो है वर्कशॉप का आयोजन करेंगे, ठीक है। ये अभी बॉडी ऑफ द नोटिस चल रही है द स्कूल काउंसलर विल कंडक्ट द वर्कशॉप, दिस इज कंपल्सरी फॉर ऑल विद नो फी और ये सभी के लिए आवश्यक है, इसमें किसी को कोई फीस नहीं देना है। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड, मतलब आप जो है कॉन्टेक्ट करिए और एक लिखे हुए जो है और स्वहस्तांतरित जो है पत्र के द्वारा, इसमें सेंडर है इसमें अंशु है, देखिए यहाँ अंशु है ना, ये अंशु हमने याद कर दिया, ये साइन कर दिया, इसके नीचे नाम ब्रैकेट ब्रैकेट में इसके नीचे आना चाहिए, हमने यहाँ जगह की कमी की वजह से यहाँ पर लिख दिया। उसका किस कौन है प्रेसिडेंट है वेलनेस सेल, इसको भी वेलनेस सेल को नीचे डालना है इस प्रकार हमारी। और देखिए चारों तरफ से हमने इसको कवर अप कर दिया, चारों तरफ से जो ये मेन चीज है कि इसको जो बॉक्सिंग है ये चारों तरफ से हम इसको जो है बॉक्स के अंदर कर देंगे। तो इस प्रकार ये नोटिस हमने यहाँ पर तैयार कर लिया। थैंक यू।